प्यारे बच्चे, मैं जेपी मौर्य प्रिंसिपल पॉइंट वाले को आया शाहजहाँपुर लॉकडाउन के इस पीरियड में। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों को भी, आज का टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तित पदार्थ रखा हो। एक्स बाई दो प्लेटें मिलाकर संधारित्र बना रही, इसका संबंध पर पीछे है। इसकी धारिता हमें निकालनी है। इसके बीच में ये पट्टी रखी है टी मोटाई की, परावैद्युत पदार्थ की। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं पहले बता चुके हैं पिछले टॉपिक में। तो डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, टी मोटाई की, टी चौड़ाई या मोटाई कुछ भी कहें, पट्टी। हवा कितनी जगह में रही, डी में से टी घटा दें तो ये जगह ये हवा नहीं। तो हम पहले निकालेंगे हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर हवा में विभवांतर, फिर पट्टी में वैद्युत तीव्रता, फिर पट्टी में विभवांतर, फिर कुल विभवांतर निकालेंगे, फिर कुल विभवांतर निकाल के सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी से धारिता निकालेंगे। हवा हवा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता ई वन इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहां के आता है दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में के आता है, लेकिन यहां क्या है हवा, हवा के लिए के इक्वल टू वन हो गया। सिग्मा इक्वल टू, अब इसका प्रश्न सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो यहां पर रख देंगे क्यू अपॉन ए, तो ए एप्सिलॉन नॉट ये है। अब हवा में विभवांतर, हवा में विभवांतर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर बोर्ड में आ जाता है, इस साल भी कई सेटों में देखा गया इसको। हवा में विभवांतर वी वन इक्वल टू ई वन इंटू, हवा कितनी जगह में से, इस डी में से टी घटा देंगे तो डी माइनस टी जगह में हवा है। ई वन की वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, ये आया कहां से, वही ई इक्वल टू बी अपॉन डी से वैल्यू रख दीजिए, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ये विभवांतर हवा में आ। अब पट्टी हवा में निकाल लिया, अब पट्टी में निकालेंगे, के परावर्तन की पट्टी है, पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन, क्यों के आएगा यहाँ पर, यहाँ हवा थी तो के बराबर एक आएगा, तो यहाँ यही सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, तो क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट थ्री। पट्टी में विभवांतर वी टू इक्वल टू ई टू इंटू, पट्टी कितनी में चौड़ाई में है टी, अब यहां से V2 E2 की वैल्यू यहां से यहां रखते हैं V2 आ जाएगा, V2 इक्वल टू तो Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, चार कुल विभवांतर V इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 की वैल्यू उठाई यहां से Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस V2 टू बी होगी K A एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, इसमें से कॉमन आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन K, ये विभवांतर। अब विभवांतर हम क्या निकालेंगे, धारिता, समझ में आ रहा है, हाँ इसको मैं मिटाता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V, Q अपॉन V की वैल्यू उठाइए यहां से, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K कटा C, ये ऊपर जाएगा D माइनस T
प्लस टी अपॉन के, ये डेरिवेशन इसका आ गया। ये बोर्ड में बहुत आता है। अब इससे कुछ कैसे है, फर्स्ट पार्ट, यदि के इक्वल टू, यानी कहने का मतलब इसके बीच में हम क्या करें, पट्टी हटा दें, यानी हवा है तो टी इक्वल टू जीरो, यानी पट्टी है ही नहीं, इसका मतलब क्या हवा है, तो टी इक्वल टू जीरो रखेंगे यहां पर, देखिएगा तो सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये डी माइनस जीरो प्लस जीरो अपॉन के, क्या आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, वही डेरिवेशन आ गया जिसमें के इक्वल टू वन रख के जो आता था। सेकेंड पार्ट, यदि टी इक्वल टू डी, यानी पूरे में पट्टी फैला दें, पूरे में टी की जगह डी रखिए इसमें, तो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी की जगह डी रखा और डी अपॉन के कट जाएगा, तो ये आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, वही पीछे जो डेरिवेशन कराया हुआ आगे, यानी पूरे में प्रावधुत पदार्थ भरा हुआ है वो आ गया। अगर इसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स रख दी और उनके मीडियम अलग अलग हैं और उनकी जो मोटाई वो भी अलग अलग है, तो ये टी वन टी टू टी थ्री इस तरह से आ जाएंगे और यहाँ के वन के टू के थ्री इस तरह से आ रहा है। ये अभी टॉपिक जो अभी समझाया उसी के ऊपर न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल 2014 में आया है और 2020 में इस साल भी आया है। न्यूमेरिकल लगाएं आप एक समांतर प्लेट बाय संधारित्र की धारा का, देखिए सी जीरो दो माइक्रोफेरड बाय संधारित्र सी जीरो, क्योंकि इक्वल टू वन हो जाएगा, इसकी प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच की दूरी की तीन चौथाई, यानी टी इक्वल टू थ्री बाई फोर इंटू डी, सेपरेशन का थ्री बाई फोर, मोटाई की के परावर्तन की प्लेट रखी जाती है, तो संधारित्र की धारिता, जब पट्टी मटेरियल भर दिया उस पर, पट्टी भर दी तो धारिता कितनी हो गई इसकी, चार माइक्रोफेरड, चार माइक्रोफेरड। के का मान ज्ञात कीजिए, जहां प्लेटों का तथा परावर्तित प्लेट का क्षेत्रफल समान है, जो प्लेट है वो और जो पट्टी रखी गई पट्टी उसका क्षेत्रफल समान है, तो देखिएगा सी जीरो इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी समीकरण एक, ये जब है जब हवा या निर्वात, हवा भरी है उसको। अब हमने क्या कर दिया, पट्टी भर दी, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये देखिए ये वैल्यू रख दीजिए, भाग दे दीजिए, वन बाई टू सी जीरो अपॉन सी, ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए यहां पर, डी टी की जगह कितना हो जाएगा थ्री बाई फोर डी प्लस थ्री बाई फोर डी अपॉन के और डी, यहां इसकी वैल्यू रख दीजिए, सी जीरो कितना है टू और सी कितना है फोर, 2020 में जो क्वेश्चन आया था यहां सिक्स करके आया, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा डी बाई फोर आ जाएगा, डी बाई फोर इंटू थ्री डी बाई फोर के प्लस के अपॉन डी, इसमें से डी कॉमन ले लिया हमने तो डी अपॉन डी, तो वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर के, ये कट गया यहां से, ये कटा वन बाई टू टाइम वन अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन फोर थ्री बाई फोर के। अब क्या किया हमने,
इसको इधर ले आए, 1/2 - 1/4 इधर आएगा, पक्षांतर करके लाए तो 3y4k, ये 1/2 तो 1/4 बचा यहाँ पर 3y4k, तो यहाँ से ये कट जाएगा इससे, तो k = 3 वैल्यू आ जाएगी। इस तरह k की वैल्यू आ गई। न्यूमेरिकल आप लोग ज़्यादा ज़्यादा लगाया करें। ये इस साल जो पेपर दिया है बच्चों ने, उन पे ये किताब अगर किसी पर मिल जाए आप लोगों को, ये मेरे द्वारा लिखी हुई किताब है, अगर किसी बच्चे में जो पेपर इस साल 2020 के दिए उन पर मिल जाए, तो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे और थ्योरी भी इसमें बहुत सारी है। तो अगर पुरानी किताब मिल जाए, नहीं तो अभी जुलाई में आएगी, अभी नहीं आएगी, अभी काम चल रहा है इस पर, तो आप लोगों को बहुत इससे NCERT किताब ले लीजिएगा, इसको हेल्प ले लीजिएगा और इससे बहुत सहूलियत मिले पेपर में, बहुत इस 2020 में इससे बहुत आया।